गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एवियन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता, ठीक है, उनके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब जो अपन पढ़ेंगे वो है अगला, जो अपना जो टॉपिक है वह अपने को दे रखा है संप्राप्ति। सम प्राप्ति, संप्राप्ति या इसका मतलब होता है आगम। आगम देखो, देखो संप्राप्ति या आगम का मतलब क्या होता है भाई? संप्राप्ति का मतलब होता है कि अपने को, अपन क्या करते हैं भाई, कोई भी व्यवसायिक संस्था क्या करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है, ठीक है, या वस्तुओं का उत्पादित करती है और उन उत्पादित वस्तुओं को क्या करती है, बाजार में बेचती है, और उनको बेचने से जो राशि मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है, उनकी प्राप्ति होती है, रेवेन्यू होती है, ठीक है। तो संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। जो जो वस्तुएं या जो उत्पादित इकाइयां हैं उन उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है अपनी संप्राप्ति होता है अभी। संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि उत्पादित वस्तुओं की विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी अपनी संप्राप्ति होगी। संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि वस्तु के विक्रय से या उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी वो अपनी क्या मानी जाएगी, संप्राप्ति होगी। वो संप्राप्ति या आगम के बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक आता है वह क्या आता है, वह अपना है कुल संप्राप्ति या आगम। कुल कुल संप्राप्ति या आगम, कुल आगम, ठीक है। कुल संप्राप्ति या कुल आगम का मतलब क्या होता है, कुल संप्राप्ति या कुल आगम का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से, ठीक है, कुल उत्पादित इकाइयों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कुल संप्राप्ति कहते हैं। जैसे कि अगर आपने मान लो कि 1000 इकाइयां बनाई, ठीक है, आपने क्या किया, 1000 इकाइयों का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है, तो और एक इकाई की वैल्यू जो है वो क्या है, एक इकाई का जो मूल्य है वो 10 रुपए है, तो आपकी कुल, ठीक है, जो आपकी कुल इकाई जो संप्राप्ति होगी वो क्या होगी भाई, 10,000 रुपए होगी। देखो कुल संप्राप्ति जो है उसका एक फॉर्मूला क्या होता है अभी, कुल संप्राप्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल संप्राप्ति का मतलब टोटल रिवेन्यू, ठीक है। कुल संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, टोटल रिवेन्यू, ठीक है, और टोटल TR बराबर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P into quantity, ठीक है, TR बराबर P into quantity, मतलब price into quantity, प्राइस को, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और कितनी आपने क्वांटिटी बेची है, उनको पर इंटू करेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति अपने को प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो तो है 5 रुपीज, ठीक है, या 10 रुपीज मान लो, और उस प्रोडक्ट की आपने मान लो कि जो क्वांटिटी सेल की है वो की है मान लो 1000, ठीक है, 1000 क्वांटिटीज आपने क्या की है, सेंड की है, ठीक है, मतलब सेल की है, ठीक है, तो क्वांटिटी जो आपने सेल की है वो तो कितनी है, 1000, ठीक है, सेल क्वांटिटी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, प्राइस तो हो गया ये, प्राइस 10 रुपीज एंड सेल ऑफ क्वांटिटी, इक्वल टू कितनी है, 1000, ठीक है। तो आपकी जो पी है, प्राइस तो आपका क्या है अभी, 10 रुपीज है प्रोडक्ट का,
और सेल ऑफ क्वांटिटी जो है, ठीक है, जो आपने बेची है वो कितनी है, 1000 है, ठीक है। तो सेल ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना, कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा आपने बेची है वो तो है 1000, और वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए, ठीक है। तो अपन जो टी आर निकालेंगे, कुल संप्राप्ति निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे भी, टी आर बराबर, ठीक है, पी मतलब प्राइस, मूल्य, मूल्य कितना है वस्तु का, वस्तु का मूल्य है 10 रुपए, तो 10 रुपए लिखे हमने, ठीक है। और कितनी इकाइयों को अपन ने बेचा है, बेचा कितनी इकाइयां है, 1000 इकाइयों को बेचा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 1000। तो इनको अपन इंटू करेंगे तो अपनी जो कुल संप्राप्ति है वो कितनी आएगी, 10000 रुपये आएंगे, ठीक है। तो अपन कुल संप्राप्ति को क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है वह क्या है, अभी दूसरा जो फॉर्मूला दे रखा है अपने को, वो दे रखा है TR इज इक्वल टू AR इंटू क्वांटिटी, ठीक है। TR इज इक्वल टू AR इंटू क्वांटिटी, ठीक है। AR एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, एवरेज रिवेन्यू जो है उसको अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी से इंटू करेंगे, तो वो अपनी क्या आएगी, कुल संप्राप्ति आएगी। मतलब ये तो क्या होगी, TR का मतलब क्या हो गया, कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति बराबर औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति इंटू मात्रा, ठीक है। कुल संप्राप्ति बराबर औसत संप्राप्ति गुणा मात्रा, तो ये क्या आएगी अपनी, कुल संप्राप्ति आएगी, ठीक है। तो औसत संप्राप्ति अगर अपने को दे रखी है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, वे क्वांटिटी से इंटू करेंगे। जैसे AR जो अपने को दे रखा है, AR वो है मान लो अपने को दे रखा है 20 रुपीज, और क्वांटिटी जो अपनी है वो दे रखी है अपने को मान लो 1000 यूनिट, ठीक है। तो अपन औसत संप्राप्ति निकालेंगे, कुल संप्राप्ति निकालेंगे, तो कैसे आएगी, औसत संप्राप्ति तो अपनी क्या है, 20, और क्वांटिटी अपने को कितनी दे रखी है, 1000, ठीक है। तो अपनी जो TR जो आएगी वो आएगी 20000, ठीक है, कितनी आएगी, 20000। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कुल संप्राप्ति की गणना कर सकते हैं। ये कुल संप्राप्ति है, उसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला जो फॉर्मूला है वह है TR बराबर P इंटू क्वांटिटी, ठीक है, मतलब P कुल संप्राप्ति बराबर मूल्य गुणा मात्रा, ठीक है। कुल संप्राप्ति बराबर क्या फॉर्मूला हुआ, मूल्य गुणा मात्रा, ठीक है, ये फॉर्मूला अपना हो गया, ठीक है। ये पहला ही हो गया। दूसरा फॉर्मूला है TR बराबर AR गुण इंटू क्वांटिटी, ठीक है, औसत संप्राप्ति गुणा मात्रा। AR को क्वांटिटी से इंटू करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कुल संप्राप्ति आगम की गणना कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया फॉर्मूला AR बराबर P इंटू क्वांटिटी, और दूसरा हो गया TR बराबर AR इंटू क्वांटिटी, ठीक है। ये अपने क्या होंगे, कुल संप्राप्ति ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं। अब क्या होता है, अभी कुल संप्राप्ति का जो जो डायग्राम जो बनता है वो अपन देखते हैं कि कुल संप्राप्ति वक्र कैसे तैयार होता है। अभी तो कुल संप्राप्ति वक्र जो है वो आप देखिए कैसे बनता है। कुल संप्राप्ति कुल संप्राप्ति
हो गया ये अपना Q1, ठीक है। फिर अपने आएंगे संप्राप्ति, वाई एक्स पे अपन लिखेंगे संप्राप्ति, और इधर अपना आएगा निर्गत, निर्गत जो भी आउटपुट आपने बनाया, ठीक है। तो ये क्या है भी, इतना कुल संप्राप्ति जो है, कुल संप्राप्ति वक्र जो ये है, ये अपने को एक दे रखा है सीधा अपने जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है सीधा। और ये वक्र जो है ये क्या करता है भी, कुल संप्राप्ति और मतलब संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति और निर्गत के बीच संबंध क्या करता है, दर्शाता है भी। निर्गत का मतलब कितनी इकाइयों का आपने विक्रय किया जिससे आपको कितनी आगम हुई है, ठीक है। आपने कितनी इकाइयों को बेचा है या कितनी इकाइयों का आपने निर्गत किया है, ठीक, आउटपुट तैयार किया है, ठीक है, उनसे आपको कितनी आगम हुई है, उस निर्गत और कुल संप्राप्ति के बीच में ये क्या करता है, संबंध को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो बीच का जो हिस्सा है वो आपके क्या करेगा, संप्राप्ति की स्थिति को दर्शाएगा कि आपने कितना उत्पादन बेचा है, कितना आउटपुट तैयार किया है और उससे आपको कितनी कुल संप्राप्ति कितनी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, कुल संप्राप्ति वक्र होता है, ठीक है। कुल संप्राप्ति वक्र जो है वो कुल वो है संप्राप्ति और निर्गत के बीच, कुल संप्राप्ति और निर्गत के बीच क्या करता है, संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसके संबंध, इस संबंध को दर्शाएगा ये दर्शाता है कुल संप्राप्ति वक्र जो है, एक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र इसकी कुल संप्राप्ति तथा इसके निर्गत के बीच संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। कुल संप्राप्ति और निर्गत के बीच संबंध को दर्शाएगा और ये दर्शाएगा कि अपने को कुल संप्राप्ति कितनी प्राप्त हुई है, ठीक है, कितने निर्गत के ऊपर कितने आउटपुट पे अपने को कितनी संप्राप्ति मिली है, कितनी आगम हुई है, कितनी इनकम हुई है, ठीक है, रिवेन्यू कितनी हुई है, वो कौन दर्शाएगा, ये वक्र दर्शाता है। कुल संप्राप्ति वक्र जो है वह कुल संप्राप्ति और एक तरह से कुल संप्राप्ति और निर्गत के बीच क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। कुल संप्राप्ति वक्र यह ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा होती है, ठीक है। ये क्या होता है भी, कुल संप्राप्ति वक्र जो है ये ऊपर की ओर जाती हुई सीधी रेखा है। देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर सीधा जा रहा है अभी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर जाती हुई एक सीधी रेखा होती है। ये बोल रहा है कि जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, चूंकि बाजार कीमत स्थिर होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत रेखा एक सम स्तरीय सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है। कीमत रेखा इस बाजार में फर्म के मांग वक्र को भी क्या करती है, दर्शाती है, ठीक है। ये क्या करती है भी, ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो यहाँ पे क्या होता है भी, जो कीमत इस तरह वो इक्वल बना रहता है, ठीक है। और ये क्या करती है भी, फर्म के मांग वक्र को भी क्या करती है, दर्शाती है भी, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, कुल संप्राप्ति होती है भी। उसके बाद में जो दूसरा जो अपना टॉपिक आता है वो आता है औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति, देखो औसत संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, औसत संप्राप्ति का मतलब होता है कि प्रति इकाई आगम ही क्या कहलाता है अभी, औसत संप्राप्ति कहलाता है। प्रति इकाई आगम ही औसत संप्राप्ति कहलाता है, मतलब आप जैसे ही प्रत्येक इकाई बेचोगे तो हर एक इकाई को बेचने से जो रुपए आपको प्राप्त होते हैं वही उसकी क्या मानी जाती है, औसत आगम मानी जाती है, औसत संप्राप्ति मानी जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे भी, प्रति इकाई आगम ही औसत संप्राप्ति कहलाता है। प्रति इकाई आगम, प्रति इकाई आगम ही औसत संप्राप्ति, औसत औसत संप्राप्ति कहलाता है। हाँ
प्रति इकाई आगम ही औसत संप्राप्ति कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रति इकाई या प्रति इकाई के विक्रय से जो भी राशि, प्रति इकाई विक्रय से जो भी आगम होती है वही अपनी क्या मानी जाती है, औसत संप्राप्ति या औसत आगम मानी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपने ये औसत संप्राप्ति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए आर बराबर पी का मतलब एक इकाई का मूल्य है। पी का मतलब क्या हुआ, एक इकाई का मूल्य। ठीक है, जैसे मान लो कि एक इकाई का मूल्य क्या है, सपोज दैट एक इकाई का जो मूल्य है वो है 10 रुपए। ठीक है, तो अपनी ए आर क्या होगी, ए आर बराबर पी। पी कितनी है, अभी प्राइस कितना है, 10 रुपीज, 10 रुपए, तो ए आर कितनी आएगी अपनी, 10। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक इकाई का जो मूल्य होगा वही अपनी क्या होगी, ए आर होगी, औसत आगम होगी भी। ठीक है, या औसत संप्राप्ति कहलाएगी। तो औसत संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई आगम ही या प्रति इकाई विक्रय से जो आगम होती है उसे अपन क्या कहते हैं, औसत आगम या औसत संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, और औसत संप्राप्ति निकालने का पहला फॉर्मूला है ए आर बराबर पी। पी का मतलब क्या हुआ, एक इकाई का मूल्य। ठीक है ना, एक इकाई का जो मूल्य होगा उसको बेचने से जो राशि मिलेगी वो क्या होगी, अपनी औसत संप्राप्ति होगी। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका, ए आर का होता है टी आर बटे क्वांटिटी। ए आर बराबर टी आर बटे क्वांटिटी। ठीक है, मतलब औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। ठीक है, तो टी आर बराबर, जैसे मान लो एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपनी जो कुल संप्राप्ति है वो तो दे रखी है, कुल संप्राप्ति है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, और क्वांटिटी जो अपन ने बनाई वो बनाई 1,000, 1,000। ठीक है, कुल संप्राप्ति अपनी कितनी आई, कितनी है, 10,000, और जो क्वांटिटी जो मात्रा अपन ने बेची है वह मात्रा दे रखी है अपने को 1,000। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति जो कुल प्राप्ति हुई वो अपने को कितनी हुई, 10,000, और जो मात्रा अपने द्वारा बेची गई है वो कितनी है, 1,000। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भी, औसत संप्राप्ति निकालेंगे। तो औसत संप्राप्ति कैसे निकलेगी भी, ए आर बराबर टी आर कितनी अपनी, 10,000, 10,000, और बटे क्वांटिटी कितनी अपनी, 1,000। ठीक है, टी आर तो कितनी दे रखी है अपने को, 10,000, कुल संप्राप्ति तो दे रखी है 10,000, और अपने को मात्रा दे रखी है 1,000। तो अपनी जो औसत आगम आएगी, ए आर जो आएगी वो कितनी आ गई अपनी, 10 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, तो फिर अपनी ए आर कितनी आ गई, 10 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है औसत संप्राप्ति का। ठीक है, दो फॉर्मूले हुए, पहला फॉर्मूला है ए आर बराबर पी, मतलब एक इकाई का जो मूल्य होगा वही क्या होगी, उस इकाई की औसत आगम होगी। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला बताया वो क्या है भी, टी आर बटे क्वांटिटी। टी आर का मतलब क्या हुआ भी, कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। ठीक है, कुल संप्राप्ति में मात्रा का भाग देंगे। ठीक है, टोटल रिवेन्यू में क्वांटिटी का अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, तो उससे जो राशि मिलेगी वो अपनी क्या होगी, औसत संप्राप्ति होगी। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि टोटल रिवेन्यू जो है वो अपनी 10,000 रुपीज है, और क्वांटिटी जो है वो अपनी 1,000 रुपीज है। 10,000 तो अपनी क्या होगी, कुल संप्राप्ति होगी, और 1,000 रुपये जो है, 1,000 जो है वो अपनी क्या होगी, मात्रा होगी। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति में मात्रा का अपन भाग देंगे तो अपनी क्या आ गई, औसत संप्राप्ति आ गई है। ठीक है, तो ये औसत संप्राप्ति अपनी कितनी आई, 10 रुपये जो है वो अपनी क्या आ गई, औसत संप्राप्ति आई है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, अपना औसत संप्राप्ति हो गया अभी। उसके बाद में अगला जो अपना आता है, पॉइंट आता है, वो आता है सीमांत संप्राप्ति। ठीक है, सीमांत संप्राप्ति, देखो मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू,
सीमांत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति, एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, देखो सीमांत संप्राप्ति क्या होता है भाई, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है भी, सीमांत संप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम या कुल संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि क्या मानी जाती है, सीमांत संप्राप्ति मानी जाती है। तो सीमांत संप्राप्ति किसे कहेंगे, एक अतिरिक्त इकाई के, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से, विक्रय से कुल आगम या संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि, में होने वाली, होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम या संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि क्या मानी जाती है, सीमांत संप्राप्ति मानी जाती है, मार्जिनल रिवेन्यू मानी जाती है। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को आप जैसे बेचोगे तो उससे कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होगी वही क्या मानी जाएगी, उसकी सीमांत संप्राप्ति मानी जाएगी, ठीक है। तो सीमांत संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल संप्राप्ति या कुल आगम में होने वाली वृद्धि क्या मानी जाती है, अपनी सीमांत संप्राप्ति मानी जाती है, मार्जिनल रिवेन्यू होती है भी, ठीक है। तो सीमांत संप्राप्ति जो है उसको, उसका क्या अर्थ हुआ भी, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल संप्राप्ति में, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, हर एक प्रत्येक इकाई का क्या करोगे, आप विक्रय करोगे तो उससे कुल में क्या वृद्धि हो रही है, कुल आगम में क्या वृद्धि हो रही है, वह वृद्धि क्या मानी जा रही है, सीमांत संप्राप्ति मानी जाती है। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाली वृद्धि क्या होती है, सीमांत संप्राप्ति होती है भी, ठीक है। सीमांत संप्राप्ति जो है, ठीक है, सीमांत संप्राप्ति को जो निकालने का क्या होता है भी, अलग अलग अपने क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं भी, ठीक है। तो उसका सीमांत संप्राप्ति को अपन ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, एम आर बराबर सीमांत संप्राप्ति बराबर सीमांत संप्राप्ति बराबर, सीमांत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति में परिवर्तन, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन में, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। सीमांत संप्राप्ति को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। कुल में क्या परिवर्तन आ रहा है और मात्रा में क्या परिवर्तन आ रहा है उसका अपन भाग देंगे तो वो अपना क्या आएगा, सीमांत संप्राप्ति ज्ञात होगी, ठीक है। तो सीमांत संप्राप्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है अपना कुल संप्राप्ति बटे
सीमांत कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, कुल संप्राप्ति में और बटे मात्रा में परिवर्तन, कुल संप्राप्ति में कितना परिवर्तन हो रहा है और मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे, उससे भाग देंगे तो अपनी क्या आएगी, सीमांत संप्राप्ति आएगी, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू में क्या चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी में क्या चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन हो रहा है और मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कुल संप्राप्ति में मात्रा में परिवर्तन का भाग देने पर जो राशि मिलेगी वो अपने क्या आएगी, सीमांत संप्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने संप्राप्ति होती है भी। अब जो अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना है लाभ अधिकतमीकरण, ठीक है, लाभ अधिकतमीकरण क्या होता है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।